और बड़ी खबर, दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होना है। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने निर्देश दिया है, सुरक्षा व्यवस्था खराब ना करें। पुलिस की तरफ से ये बड़ा निर्देश, कानून व्यवस्था को हाथ में ना लें, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। तो दिल्ली पुलिस ने यह साफ निर्देश दिया है कि कानून अपने हाथ में ना लें, सुरक्षा व्यवस्था खराब ना करें और अगर दोषी पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, कल मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का लगातार विरोध प्रदर्शन, और ऐसे में आज सुबह 10 बजे का जो वक्त यहां पर बताया जा रहा है, बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ यहां पर निर्देश दे दिया गया है कि कानून अपने हाथ में ना ले, अगर दोषी पाए गए तो सख्त कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन करने की तैयारी में है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, साफ कह दिया गया है कि अगर कानून हाथ में लिया गया तो सख्त कार्रवाई होगी। प्रमोद, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो देखिए, आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होना है और दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की है, निर्देश भी दिल्ली पुलिस की तरफ से आ गया है। तो देखिए, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, ईडी उन्हें अपने साथ ले गई और उसके बाद लगातार जो विरोध देखा जा रहा है पार्टी के बीच में, आम आदमी पार्टी में, और ऐसे में आज जो प्रदर्शन होना है उसको लेकर गोपाल राय ने क्या कहा है, एक बार वो सुनिए। दिल्ली के लोग जो अरविंद केजरीवाल से दिल से मोहब्बत करते हैं, आज लड़ाई की शुरुआत हुई है। इस लड़ाई को आगे पूरा देश मिलकर के लड़ेगा और इसके लिए आज अभी हमने आम आदमी पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक की है, हमने निर्णय लिया है। कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करेंगे और ये प्रोटेस्ट जो है पूरे देश के अंदर ये प्रोटेस्ट जाएगा। इस लड़ाई को हम एक एक कदम करके पूरे देश में लड़ेंगे। हमारे सहयोगी प्रमोद का हम रुक करने की कोशिश करते हैं। प्रमोद, जिस तरह से गोपाल राय ने कहा है कि आज सुबह 10 बजे प्रदर्शन शुरू होगा यहां पर आम आदमी पार्टी का, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर जो व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई या कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, ना सिर्फ ईडी दफ्तर बल्कि राउज एवेन्यू कोर्ट तक जाने वाले तमाम रास्तों पर बैरिकेटिंग की हुई है और किसी भी अनजान शख्स को या फिर जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के, उनको राउज एवेन्यू कोर्ट पे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट आम आदमी पार्टी का दफ्तर और बीजेपी दफ्तर दोनों ही दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। तो ऐसे में उस जगह पर कार्यकर्ता ना पहुंच पाए और किसी तरीके का प्रोटेस्ट ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने खास तैयारी की हुई है। दिल्ली पुलिस के अलावा जो है पैरामिलिट्री फोर्स को जो है वो तैनात किया हुआ है ताकि किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट की वजह से आम आदमी को किसी तरीके की असुविधा ना हो। आम आदमी पार्टी ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया है कि इस गिरफ्तारी के विरोध में वो सड़कों पे उतरेंगे और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे और जनता के बीच जाएंगे और जनता को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए ईडी ने जो है चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी लोगों के बीच जाकर जो है वो बताएगी कि इस जो आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ था उसको लेकर लगातार समन भेजे जा रहे थे, पूछताछ करने के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा था, अरविंद केजरीवाल कोर्ट भी गए, उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिली और ऐसे में जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। तो एक तरीके से दोनों ही पार्टियां पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जनता के बीच तो जाएंगे ही, वहीं ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि के कविता जो कि इसी मामले में आरोपी है उनको भी ईडी ने कस्टडी में लिया हुआ है, उनकी कस्टडी कल तक है, कल उन्हें पेश करके दोबारा से उनकी रिमांड बढ़ाई जाएगी ताकि दोनों की आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके, क्योंकि के कविता को गिरफ्तार करने के बाद जो ईडी ने एक प्रेस नोट दिया था उसमें साफ तौर पे जो अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया और के कविता, इन तीनों का नाम था। अरविंद केजरीवाल का नाम जो है वो जो ग्राउंड थे के कविता को गिरफ्तार करने के बाद और रिमांड पे लेने के लिए, रिमांड नोट में उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि अरविंद केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं इस पूरे जो घोटाले के मुख्य सूत्रधार के रूप में है, किस तरीके से जो प्रॉफिट मार्जिन को 6-12% किया गया था और GOM की जो बैठक बुलाई गई थी वो भी अरविंद केजरीवाल के कहने पे बुलाई गई थी, और इस मामले में जो विजय नायर है उसको, उससे जो समीर महेंद्र इंडोस्प्रिट के जो MD है समीर महेंद्र ने अपने बयान में कहा है कि विजय नायर ने
फेस टाइम ऐप से जो है अरविंद केजरीवाल की बात कराई थी और अरविंद केजरीवाल ने ये भरोसा दिया था कि विजय नायर उन्हीं का आदमी है और उस पर भरोसा किया जाए। अरविंद केजरीवाल के घर पर भी जो एक्साइज पॉलिसी है इसको लेकर मीटिंग हुई थी। तो कई सारे सवाल हैं जिसके जानना जो है ईडी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस मामले में जब ईडी पूरी अपनी चार्जशीट इससे पहले 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी दाखिल कर चुकी है, अब जब अरविंद केजरीवाल के कविता की भूमिका को लेकर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी, तो उसके बाद जो है इस पूरी घोटाले की जो एक कहानी है जिसका बिल्कुल प्रमोद, और ऐसे में देखा जा सकता है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था न केवल ईडी दफ्तर के बाहर बल्कि राउस एवेन्यू कोर्ट, यहां तक कि जो रास्ता है बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी देखा जा रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी साफ निर्देश दे दिए गए हैं। आप लगातार नजर बनाए रखें, जी न्यूज की महा कवरेज इस बड़ी खबर पर लगातार जारी है। जी